वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पंड दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस, स्टार्ट। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण को जितने खतरनाक रूप में देखा गया है, उसमें उससे बचाव के लिए किए गए उपायों से किसी को असहमति नहीं हो सकती, विराम। लेकिन इसकी वजह से उपजी अन्य स्थितियों को समस्या के संदर्भ में देखने और उसका हल निकालने की बजाय, अगर किसी देश में इसे कुछ अनपेक्षित हित साधने का मौका बना लिया जाता है, तो ऐसे फैसलों पर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, विराम। हाल में अमेरिका ने H-1B वीज़ा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी थी, विराम। अब वहाँ के आवर्जन प्राधिकार ने अमेरिका में पढ़ रहे विद्यार्थियों के संबंध में जो नई घोषणा की है, उसके असर से भारी तादाद में भारतीय विद्यार्थियों को भी अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, विराम। दरअसल अमेरिकी आवर्जन व सीमा शुल्क परिवर्तन का कहना है कि जिन गैर प्रवासी F1 और M1 विद्यार्थियों की पूरी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, वे अमेरिका में नहीं रह सकते, विराम। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को या तो अमेरिका छोड़ देना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कराने जैसा कोई अन्य उपाय करना चाहिए, विराम। वहाँ अकादमिक शोध करने वाले विद्यार्थी F1 जबकि वोकेशनल कोर्स करने वाले M1 के तहत अपनी पढ़ाई करते हैं, विराम। पैरा। अब अगर यह नियम अमल में आता है तो इसकी जद में 10 लाख से ज़्यादा विदेशी सहित करीब 2 लाख भारतीय विद्यार्थी भी आएंगे, विराम। इनमें वैसे विद्यार्थियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा जिनके संस्थान ने मौजूदा संकट की परिस्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला किया है, विराम। अमेरिका में ताज़ा फैसले के पीछे धारणा शायद यह होगी कि जब कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करेगा तो वह अपने देश में रहकर भी ऐसा कर सकता है, विराम। लेकिन सच यह है कि भारत या किसी भी देश से अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों ने वहां जाने से पहले यह तय नहीं किया था कि उन्हें मौजूदा हालात का सामना करना पड़ेगा, विराम। अपने या अपने परिवार के पास से ज़रूरत भर धन खर्च कर वे वहाँ अमेरिकी शैक्षिक संस्थानों के परिसर
और माहौल में अपनी पढ़ाई करने गए हैं। विराम अगर महामारी से बचाव के नाम पर फिलहाल नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। विराम फिर अगर कोई संस्थान फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं तो चला रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ सहज होने पर वह फिर नियमित पढ़ाई कराने लगे तो इसे कैसे देखा जाएगा? क्या यह तात्कालिक संकट की स्थिति में फंसे विद्यार्थियों को अवसरों से जानबूझकर वंचित करने जैसा नहीं है? पैरा यही वजह है कि अमेरिका की प्रमुख शिक्षाविदों और सांसदों ने विदेशी विद्यार्थियों के लिए बनाए गए ताज़ा दिशा निर्देश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विराम इसे भयावह और क्रूर बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह अच्छा करने के बजाय नुकसान ज़्यादा किया जा रहा है। विराम यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस नियम के लागू होने के बाद अमेरिका छोड़ना जिन विद्यार्थियों की मजबूरी होगी उन्हें किस संकट से दो चार होना पड़ेगा। विराम दरअसल एक के बाद एक अमेरिका ऐसे फैसले कर रहा है जिसे वह अपने यहाँ कोरोना से बचाव और देश के फायदे में लिए गए निर्णय बता सकता है, लेकिन वहाँ गए लोगों और विद्यार्थियों को इनकी वजह से जो झेलना पड़ेगा उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता है। विराम वैध तरीके से वहाँ रहने वाले लोगों के सामने अचानक ही देश से बाहर निकलने के हालात पैदा कर देना किस तरह केवल महामारी से बचाव की लड़ाई है? धन्यवाद।